बेलारी नगर में आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए जगह चिन्हित हो गई है, लेकिन अभी तक अस्पताल का निर्माण नहीं हो पाया है, ना ही अभी तक अस्पताल के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हो पाई है। इसी को लेकर सिटी चैनल के माध्यम से सभासद कासिम अंसारी ने कहा कि पिछले वर्ष एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी बेलारी को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय के निर्माण के संबंध में दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि बेलारी नगर के सुमाली कब्रिस्तान के निकट अस्पताल के लिए जगह चिन्हित है, लेकिन अभी तक अस्पताल के निर्माण के लिए पैसों की स्वीकृति नहीं हो पाई है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द अस्पताल के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हो और जल्द ही अस्पताल का निर्माण हो, जिससे जनता को सुविधाएं मिल सके। पिछले नगर पालिका के बोर्ड में एक अध्यक्ष श्री साहू सुनील साई जी थे, जिन्होंने हम लोगों की मांग पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल के लिए शुमाली कब्रिस्तान के निकट जो जमीन खाली पड़ी है उसको उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से चिन्हित करा दिया और उसको उप जिलाधिकारी महोदय ने अस्पताल के लिए आवंटित भी कर दिया, लेकिन बार बार हम लोग अवगत कराते रहे हैं। हमारे अवगत कराने के पश्चात भी उस भूमि पर अभी तक अस्पताल का निर्माण नहीं हो पाया है। क्योंकि मेरा दायित्व भी बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं नगर पालिका परिषद बेलारी वार्ड नंबर 16 से सभासद भी हूँ, तो मैं बार बार इस ओर ध्यान दौड़ाता हूँ और देखता हूँ कि अगर ये अस्पताल बन जाता है तो बेलारी नगर के वो कमज़ोर व्यक्ति जो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाते, वो बआसानी से इस अस्पताल के अंदर अपना इलाज कराएंगे और उनको इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन बार बार अवगत कराने के पश्चात भी अभी तक बिल्डिंग बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं कराई गई है। मैं उच्च अधिकारियों से दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा बड़ी आजीजी और इनकसारी के साथ कि वो इस अस्पताल को बनवाने में धनराशि स्वीकृत कराएं और जल्द से जल्द